देश में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का पद कोई नया नहीं है। 2014 में नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने अजीत डोभाल को एनएसए जैसे महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त किया। एनएसए की ही तर्ज पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने देश में पहली बार राज्य सुरक्षा सलाहकार यानी एसएसए का पद बनाया है, जो चर्चा का विषय बना हुआ है। ममता ने पुलिस महानिरीक्षक सुरजीत कर पुकार रायस्थ को एसएसए के रूप में नियुक्त किया है और उन्हें सुरक्षा और परिवर्तन जैसी महत्वपूर्ण एजेंसियों पर निगरानी जैसे अधिकारियों से लैस किया है। कोलकाता राजपत्र अधिसूचना के मुताबिक एसएसए न केवल मुख्यमंत्री के मुख्य सुरक्षा समन्वयक के रूप में कार्य करेगा, बल्कि उसके पास सुरक्षा मुद्दों और कर्मियों से जुड़े प्रस्तावों के सामरिक हस्तक्षेप की शक्ति भी होगी। एसएसए मुख्यमंत्री को सीधे रिपोर्ट करेगा। एसएसए की नियुक्ति 3 साल के लिए होगी। पश्चिम बंगाल के एसएसए के रूप में नियुक्ति किए गए पुकार रायस्थ ने पहले कोलकाता पुलिस आयुक्त और अपराध जांच विभाग में महानिदेशक के रूप में कार्य किया था। उनका इसी महीने कार्यकाल पूरा हो रहा है। ममता बनर्जी पीएम मोदी के खिलाफ हर मोर्चे पर फ्रंट खोल रही है और अब एसएसए रखने का मतलब भी यही है कि आने वाले दिनों में बंगाल में कोई विवाद हो तो ममता बनर्जी उस पर सीधे तौर पर नजर रख सके। वन इंडिया हिंदी की खास रिपोर्ट में इतना ही।